नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। वन विपिन या कहें जंगल के बिना इस धरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा जीवन सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर जिस तेजी से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ रहा है। ओजोन परत लगातार सिकुड़ रही है, सैकड़ों बीमारियों की जद में लोग अपनी जान दे रहे हैं, शुद्ध वायु शुद्ध जल के लिए हम तरस रहे हैं। सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज और दुनिया के लिए एक ये चिंता का सबब बना हुआ है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में ये चुनौती और भी गंभीर हो जाती है। अगर हम इसकी गंभीरता को समझें, हम आधुनिकता के साथ प्रकृति का संतुलन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वन संरक्षण की दिशा में कड़े फैसले लेकर आने वाली नस्लों को जीवन दान दे सकते हैं। हमें प्राकृतिक संपदा के दोहन पर अंकुश लगाना ही होगा। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार के लगातार प्रयास के मद्देनजर अब नतीजे दिखने लगे हैं। केंद्र सरकार ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक है। तो आज के विशेष में हम बात करेंगे वन क्षेत्र पर जारी ISFR रिपोर्ट की, जानेंगे हरित क्षेत्र में अलग अलग राज्यों की स्थिति और समझेंगे भारतीय वन नीति को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के वन वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का वन और वृक्ष क्षेत्र 2 साल में 51,188 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। यह 0.65% बढ़कर 807,276 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी करता है। किसी भी देश के हरे भरे फेफड़े हैं। वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता वाले प्राकृतिक वन जैव विविधता के केंद्र भी है। तमाम सरकारी प्रयासों से पिछले 2 वर्षों में देश के हरित क्षेत्र यानी वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की। इससे पता चलता है कि पिछले 2 वर्षों में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें वन क्षेत्र और वन से इतर पेड़ों का हरित क्षेत्र भी शामिल है। रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश का वन क्षेत्र सभी श्रेणियों में बढ़ा है। सघन वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र और सामान्य वन क्षेत्र तीनों श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये रिपोर्ट हमें भरोसा दिलाती है कि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर हैं। वन में कुल कार्बन स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2 साल में कार्बन स्टॉक में 4.26 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। लगभग 25% हमारा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5,200 लगभग स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया बढ़ा है और इन सक्सेशन है। पिछले 2 साल पहले जो बढ़ा और अभी जो 2 साल बढ़ा, तो 2014 से 19 तक 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ा है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। ये देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। वहीं 2017 की रिपोर्ट में
कुल वन और वृक्ष आच्छादन 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% था। इस तरह से दो साल में हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 की रिपोर्ट में सिर्फ कुल वन क्षेत्र की बात करें तो यह 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। वहीं कुल वृक्ष आच्छादन 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। इस तरह से वन क्षेत्र में दो साल में 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 0.56% का इजाफा हुआ है। वहीं वृक्ष आच्छादन में 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29% का इजाफा हुआ है। 2014 से 2019 के दौरान वन क्षेत्र में 13,000 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। तो ये कम हुआ है फॉरेस्ट के लिए, फायर के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करना, लेकिन बाकी घास के लिए है। और इसलिए हम जनता के सहभागिता से जंगल के किनारे में अच्छा घास पैदा हो और जनता चरने के लिए पशु जंगल में ना भेजे, लेकिन अपना घास काट कर ले जाए और खिलाए पशुओं को, ये योजना भी हम बहुत जोर से अभी और शुरू करने वाले हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ाने वाले 5 राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। कर्नाटक में 1,025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 823 वर्ग किलोमीटर, केरल में 823 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में इजाफा हुआ है। हालांकि भारतीय वन सर्वेक्षण की ओर से तैयार इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि दो साल में घोषित वन क्षेत्र में जंगल 330 वर्ग किलोमीटर घट गए, वहीं इनके बाहर 4,306 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। और फॉरेस्ट आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर, बिकॉज वी आर गेटिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल एंड द पॉलिसी मेकर्स, सो आवर फॉरेस्ट एरिया हैज बीन इंक्रीजिंग। India is amongst the top 10 countries in the world, not only forest area-wise, but also India is a net carbon sink and our forests are growing. देश के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.30% है। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में दो साल में 544 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जनजातीय जिलों में कुल वन आवरण 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों में भौगोलिक क्षेत्र का 37.54% है। जनजातीय जिलों में घोषित वन क्षेत्र में 741 वर्ग किलोमीटर वन कवर की कमी हुई है और इनके बाहर 1,922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर भारत में कुल वन क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। इन इलाकों में दो साल में वन क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर तक की कमी आई है। असम में त्रिपुरा के अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई। देश में मैंग्रोव कवर पिछले दो साल में 54 वर्ग किलोमीटर यानी 1.10% बढ़ा है। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जो खारे पानी में फलती फूलती है। मैंग्रोव जो समुद्र का पूरा इकोलॉजी, ओशन इकोलॉजी जो संभालते हैं मैंग्रोव, उसमें भी नेट 54 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त है। 54 स्क्वायर किलोमीटर ये छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ा मैंग्रोव एरिया होता है। और जब लोग, हम हमेशा न्यूज में सुनते हैं कि एक प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए मैंग्रोव काटा, लेकिन जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि अगर एक एकड़ का मैंग्रोव हमें निकालना पड़ा तो उसके जगह 10 एकड़ मैंग्रोव लगाने की बात होती है, और वो बढ़ रहा है कि नहीं ये भी हम देखते हैं। देश में कुल बांस का क्षेत्र
160,037 वर्ग किलोमीटर है। बांस क्षेत्र में 3,229 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स 62,466 हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स गुजरात में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। जंगलों से ईंधन की निर्भरता महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, जबकि चारा, छोटे लकड़ी और बांस के लिए मध्य प्रदेश में निर्भरता सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों में आग लगने की घटनाओं में 20% की कमी आई है। ISFR रिपोर्ट 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित होती है। 1987 से इस तरह की रिपोर्ट जारी की जा रही है। 2019 में जारी रिपोर्ट इस तरह की 16वीं रिपोर्ट है। दुनिया में वन क्षेत्र के मामलों में भारत शीर्ष 10 देशों में शुमार है। मोहम्मद फातेह टीबू, राज्यसभा टीवी। 2019 की वन रिपोर्ट में राज्यवार आकलन किया गया है किन राज्यों में वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है और किन राज्यों में कमी दर्ज की गई है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। वन क्षेत्र में इजाफे के मामले में कर्नाटक पहले पायदान पर है, वहीं मणिपुर इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। भारत में वनों का सर्वेक्षण हर 2 साल में होता है। दुनिया के कुल भू क्षेत्र का मात्र 2.4% भाग भारत में है, जबकि दुनिया की 17% आबादी और 18% पशुधन हमारे देश में है। आबादी और पशुधन के दबाव के बावजूद उत्साह की बात यह है कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्र बढ़ रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत वर्ष में वनों का आवरण 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल बढ़ा है। जिन राज्यों ने इसमें सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई है उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। केवल 5 राज्य जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं उनको छोड़ के बाकी सभी राज्यों ने में जंगल वनावरण बढ़ा है। भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 38,575 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। कर्नाटक ने पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा 1,025 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का इजाफा किया है। आंध्र प्रदेश में 29,137 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। 2 साल में वन क्षेत्र में इजाफा करने के मामले में ये दूसरे पायदान पर है। यहाँ 2017 के वन क्षेत्र के मुकाबले 990 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद नंबर आता है केरल में कुल वन क्षेत्र 21,144 वर्ग किलोमीटर का। 2017 के मुकाबले केरल में 823 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर इजाफे के मामले में चौथे पायदान पर है। 371 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ यहाँ कुल वन क्षेत्र 23,612 वर्ग किलोमीटर है। इजाफे के मामले में 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। 2017 के मुकाबले इसमें 374 वर्ग किलोमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ अब कुल वन क्षेत्र 15,434 वर्ग किलोमीटर है। एक जो बात सामने आई है इस रिपोर्ट में कि हमारे फॉरेस्ट कवर हमारे देश में वनों के बाहर तो उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन जो हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जो जंगल, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं, उसमें उस तरह का विस्तार नहीं देखा जा रहा है। और एक जो हम लोगों ने एनालिसिस की कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें फॉरेस्ट कवर को जब हम लोगों ने एनालाइज़ किया तो उसमें ये देखा गया कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। तो ये दर्शाता है कि जो हम लोगों को अभी अपने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना है। भारत वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 में उन राज्यों का भी जिक्र किया गया है जो पेड़ों या हरियाली को बढ़ाने के मामले में पिछड़ गए हैं। साल 2017 की रिपोर्ट से तुलना करें तो इन राज्यों के वन क्षेत्र में काफी कमी दर्ज की गई है। इन राज्यों में सबसे निचले पायदान पर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर है, जिसका कुल वन क्षेत्र साल 2017 के मुकाबले 499 वर्ग किलोमीटर कम होकर 16,000
847 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जिसका मौजूदा वन क्षेत्र 66,688 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 276 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। मिजोरम भी वन क्षेत्र के कम होने की लिस्ट में है, जिसका मौजूदा कुल वन क्षेत्र 18,006 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ भी साल 2017 के मुकाबले 180 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी दर्ज की गई है। हमारे देश में एक ये विशेषता जिसकी सराहना पूरे विश्व में की गई है, वो ये कि हमारा फॉरेस्ट, भारतवर्ष का फॉरेस्ट, ये नेट कार्बन सिंक है। बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं, बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे कि फॉरेस्ट भी सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन हमारा भारत में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक सिंक है जो कि सोखता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिपोर्ट के आकलन में भी ये बात सामने आई है कि हमारे फॉरेस्ट कार्बन पिछले जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में हमने 42.6 मिलियन टन्स कार्बन का इसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि एनुअल रेट आएगा 21.3 मिलियन टन्स। देश के जिन राज्यों में वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी और बेहतर सुधार देखने को मिला है, उसकी वजह वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभियान, वन सुरक्षा उपाय, वृक्षारोपण और कृषि में बढ़ावा है। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, उसकी वजह पहाड़ों पर खेती के स्थानों में बदलाव, जंगलों में लगने वाली आग, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित दबाव और विकास की गतिविधियां मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण के हर दिन से बढ़ते स्तर से परेशान है। ऐसे में वन क्षेत्रफल के मामले में भारत का दुनिया के 10 देशों में शामिल होना एक सुखद अनुभूति देता है। इसके पीछे सरकार की पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता और पिछले कुछ सालों में शुरू की गई तमाम योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वी की सुरक्षा और इसका पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वन क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन बेहद गतिशील है, इसलिए वन संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई। भारत वन क्षेत्रों के संरक्षण और इसका घनत्व बढ़ाने को लेकर काफी सजग रहा है। यही वजह है कि आज वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारत के भूभाग का 24.4% हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की साल 2017 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 17 के बीच देश का वन क्षेत्र 8,021 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। हालांकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर लगभग 8,00,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय वन क्षेत्र की स्थिति में सुधार और बढ़ोतरी पर कहा कि भारत आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वन संसाधनों का मूल्यांकन करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना है। हमारे भू क्षेत्रफल का 33% एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंदर होना चाहिए। इस पॉलिसी गोल के अगेंस्ट में अभी आज हम 24.56 के लेवल पे खड़े हैं, तो अभी हम पॉलिसी गोल से काफ़ी दूर हैं। और इस दिशा में सरकार की नीतियां, सरकार काफ़ी जोर दे रही है। अभी भारत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए राज्यों को उन्होंने रिलीज़ किया है कैंपा फंड से, जिसमें कि जो मुख्य जो एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी उस कैंपा फंड के लिए है, वो अफॉरेस्टेशन एक्टिविटी है। उसमें हमको प्लांटेशंस रेज करने हैं। तो अभी हमारे देश में जो प्लांटेशन के ऊपर में इतनी बड़ी
राशि उपलब्ध होने के बाद में जो कि डिफरेंट स्टेट्स को उपलब्ध कराई गई है, इसमें हमारे काफ़ी गति आएगी और ये आशा करनी चाहिए हम लोगों को कि हमारा हमारे देश में ऐसे ही वनावरण निरंतर बढ़ता जाएगा। मानकों की बात करें तो पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 33% भूभाग का वनों से घिरा होना जरूरी बताया गया है। भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज्यादा भूभाग पर जंगल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन प्रतिशत के मामले में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। ये इसलिए और भी उत्साहवर्धक है क्योंकि 10 देशों में भारत को छोड़कर बाकी 9 देशों का जनघनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में वन पारिस्थितिकी का प्रमुख आधार होने के साथ साथ मानव की आजीविका के स्रोत भी है। खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी, खेती और पशुपालन के लिए चारा भी वनों से ही प्राप्त होता है। तकरीबन 3.5 लाख लोग किसी न किसी तरह जंगलों से जुड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय आय का 2% भाग हमें वनों से ही प्राप्त होता है। आंकड़ों की बात करें तो देश के वनों पर बहुत अधिक जैविक दबाव के बावजूद वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जो कहीं ना कहीं हाल के सालों में सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इस दिशा में सफल पहल साबित हुई है, जिसने ईंधन के लिए जंगलों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता को काफी कम करते हुए वनों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। शुरुआत से बात करें तो जंगलों से संबंधित कानून को मजबूत बनाने, जंगल के उत्पादन और अन्य वन उपज पर शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद लागू किया गया था। ये अधिनियम केंद्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न राज्य अधिनियमों को संशोधित करके उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से बदला गया है। हमारे वनों के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा बायोटिक प्रेशर है, लगभग 1,70,000 गांव ऐसे हैं जो कि वनों की परिधि के आसपास हैं और इसमें रहने वाले जो हमारे गांव वासी हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो वनों पे इतने ज़्यादा निर्भर हैं। इनकी इतनी निर्भरता के बावजूद हमारे वनों का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस पॉलिसी की सफलता को दर्शाता है कि हमने इस पॉलिसी के तहत वन संरक्षण पे काफ़ी जोर दिया है। भारतीय वन अधिनियम आमतौर पर जंगलों के संरक्षण और रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम कुछ शर्तों के तहत वन भूमि के संरक्षण पर चिंतन करता है। भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन, ग्रामीण वन, संरक्षित वन या निजी मालिकों के जंगल आते हैं। वहीं अधिनियम के अंतर्गत धारा 30 के तहत सुरक्षित वृक्ष को काटना, वृक्ष के चारों ओर खाई बनाना, वृक्ष की शाखा को काटना, जलाना या वृक्ष की छाल या पत्तियों को उतारना या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत कारावास या 1,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हाल ही में संसद ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधित करते हुए गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है। परिणाम स्वरूप गैर वन क्षेत्रों में बांस की कटाई और परिवहन के लिए अब किसी भी परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी देश या बहुभाग के प्राकृतिक स्रोतों में वन क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। क्षेत्र के जलवायु और जल स्रोतों के लिए जिम्मेदार वन बेहद जरूरी प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वन न केवल किसी भी तरह बने रहे बल्कि उनके क्षेत्रफल में भी इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो
ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ, और याद रखिए, वन है तभी हम हैं। नमस्कार।